घाट राष्ट्रीय स्थल सलामे सर कि ना ही किसी भी प्रकार के अनैतिक गलत या आपराधिक काम में किसी भी प्रकार से लिप्त नहीं होंगे और ना ही किसी को लिप्त होने देंगे। आप देख रहे हैं सरसाई ट्यूब, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं पटना सिटी अनुमंडल कार्यालय में। आज पूरा देश जश्न आज़ादी में लोग मना रहे हैं। 75वीं गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर तमाम देशवासी अपने देश में झंडा को अपना झंडा ऊंचा रहे हमारा के तर्ज पर तमाम तरह के कार्यक्रम हो रही है। पटना सिटी अनुमंडल के अनुमंडला पदाधिकारी श्रीमती गुंजन सिंह जी, आज यहाँ झंडा तोलन का कार्यक्रम किया गया है और मंडल कारा पटना सिटी में वहाँ भी झंडा तोलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हम तमाम दृश्यों से सरकारी जो कार्यक्रम है काफ़ी भव्यता होती है और अनुमंडल के बाद पटना सिटी के जो विभिन्न थानों में थाना अध्यक्ष द्वारा झंडा तोलन का कार्यक्रम होगा वहाँ का चीज़ हम आपका दृश्य दिखलाएंगे। चलिए मेरे साथ। राष्ट्रीय स्थल सलामे सर नमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल तिलंगा विसर्जन। बस बस की अरुण सर दिवस है 75वीं वर्ष देखिएगा तो पूरे देश में उल्लास के साथ हुआ है, सिटी अनुमंडल में भी काफी धूमधाम से। मैं अपने पटना सिटी अनुमंडल के सभी क्षेत्रवासियों को मैं अपनी तरफ से और पटना सिटी अनुमंडल प्रशासन की तरफ से 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देती हूँ। सर्वधर्म से संभाव से और सहिष्णुता और सद्भावना से परिपूर्ण अपनी पटना सिटी अनुमंडल में
आज की पटना सिटी अनुमंडल की धरती पे आज झंडोत्तोलन करते हुए मुझे बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है और मेरे सभी क्षेत्रवासियों से ये आशा है और मैं आह्वान करती हूँ कि हम सभी संकल्प लें कि हम लोग समाज में व्याप्त सभी कुरीतियों को जड़ से नष्ट करेंगे एवं ये संकल्प लें कि ना ही किसी भी प्रकार के अनैतिक गलत या आपराधिक काम में किसी भी प्रकार से लिप्त नहीं होंगे और ना ही किसी को लिप्त होने देंगे। जय हिंद। 75th जो हम गणतंत्र दिवस आज यहाँ पर पटना सिटी में जो मना रहे हैं तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पटना सिटी में ये 75th गणतंत्र दिवस मतलब आ करके सेलिब्रेट करूँगी। आज के लिए बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसा कि हमारा जब देश स्वतंत्र हुआ तो जो कि हमारे जो नवयुवक शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इतने जश्न और जोश के साथ उन्होंने फांसी के फंदे को इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा देते हुए वो फांसी के फंदे पर तीनों लोगों को उनको अंतिम इच्छा पूछी गई। जेलर ने पूछा कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो उन्होंने कहा कि बस हमारी अंतिम इच्छा है कि हम भारत माँ को स्वतंत्र देखना चाहेंगे। हम तो नहीं देख पाएंगे लेकिन हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो स्वतंत्र देखना चाहेगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हम तीनों ही आपस में मतलब हमारी और कोई खाने पीने की इच्छा नहीं, बस आपस में तीनों गले मिल जाएंगे और गले मिलने के बाद उन्हें फांसी के फंदे पर जो है झूलने को ब्रिटिश सरकार ने दे दिया। इसके बाद हम लोग आप लोगों से यही आग्रह करते हैं कि छोटी छोटी अपनी वित्तीय आवश्यकताओं के लिए हमें उन जो है शहीदों को याद करते हुए हमें हमेशा सत्य के और ईमानदारी के पथ पर अग्रसर रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। 75वें गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत बधाई। मैं अपने अनुमंडल प्रशासन की ओर से मैम की अध्यक्षता में सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और ये हमारा गणतंत्र ऐसे ही सदियों तक बना हुआ रहे इसकी मैं कामना करती हूँ। इसी के साथ धन्यवाद।